हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बंगाली रेसिपी, बहुत ही कॉमन रेसिपी, प्याज कोली दिए पुटी माछे चचोरी का रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए चाहिए बंगाली पुटी फिश, ऑलिव बार्ड फिश, नमक, कुकिंग ऑयल, चॉप किया हुआ अनियन, कोरिएंडर लीव्स, ये प्याज का लीव्स है, प्याज कली, इसको भी मैं चॉप करके रख दिया, लाल मिर्च पाउडर, चॉप किया हुआ टमाटर, हल्दी पाउडर, चॉप गार्लिक और ये दो तीन ग्रीन चिलीज। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी कैसे बनती है। पहले कढ़ाई को गरम करके इसके अंदर मैं तेल डाला। तेल गरम होने के बाद इसमें मैं चॉप किया हुआ अनियन डाल दिया और इसको अच्छे से भून लिया। अभी इसके अंदर मैं प्याज काली डाल रही हूँ, वो जो प्याज का लीव्स है, अभी इसको भी थोड़ा टाइम अच्छे से फ्राई कर लेती। अब देख लीजिए मेरा प्याज का लीव्स भी फ्राई हो गया, तो इसमें मैं चॉप किया हुआ गार्लिक वो डाल रही हूँ। अभी इसके अंदर मैं टमाटर चॉप किया हुआ टमाटर वो डाल दूंगी और फिर से इसको अच्छे से सबके साथ फ्राई कर लूंगी। अभी इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ और थोड़ा टाइम इसको फ्राई कर लूंगी एक साथ। अभी मेरा सब्जी पक गया। इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और ग्रीन चिली डाल दूंगी मैं, 3-4 जो ग्रीन चिली रख दिया था उसको डाल दूंगी। और अभी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी क्योंकि एकदम सूखा सूखा एक फिश कड़ी है, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा ही है, और इसको चला के रख देती बॉईल होने के लिए। देख लीजिए मेरा कड़ी में बॉईल आ गया और जो प्याज का लीव्स है थोड़ा सा पकना है, अभी तक थोड़ा सा बाकी है। पकने के बाद इसके अंदर मैं फिश ऐड कर दूंगी। देख लीजिए मेरा कड़ी अच्छे से बॉईल भी हो गया और वो प्याज का लीव्स भी फ्राई एकदम पक गया, तब इसके अंदर मैं फिश ऐड कर रही हूँ। पूरा फिश है, 250 ग्राम्स फिश है, इसको मैं नमक और हल्दी से फ्राई कर लिया और इसको एक साथ अच्छे से मिला लूँगी। इसको ज़्यादा टाइम पकाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एकदम छोटा छोटा फिश है, फ्राई करने के टाइम में ही पक के रेडी हो जाता है, जस्ट थोड़ा टाइम इसको चलाना है, यही है काम। अभी देख लीजिए एकदम रेडी हो गया मेरा फिश करी। तो अभी मैं इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी और ये रेडी हो गया। मैं इसको एक साथ सबको एक साथ मिला लूँगी और गैस ऑफ करके सर्व कर दी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए रेडी हो गया मेरा प्याज कोली पुटी मच का जो चचोरी है, वो एक बंगाली रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।